हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी चार गले वाली और मियानी के साथ सेमी पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सलवार बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। तो यहाँ पर सलवार की टोटल लेंथ है 37 इंच। तो उसमें से हम 6 इंच बेल्ट के लिए माइनस करेंगे तो आ जाएगा 31 इंच, और 31 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 32 इंच। क्योंकि मैं 1 इंच इसलिए प्लस कर रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे की तरफ मोहरी में मैं अलग से कपड़ा फोल्ड करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अब हम 32 इंच पर एक और निशान लगा देंगे। हमें नीचे से लेते हुए 32 इंच पर मार्क लगाना है। तो यहाँ पर 32 इंच पर निशान लगा के हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ ऊपर की तरफ 8 इंच कपड़ा बच रहा है जिसे हम काट लेंगे और उसमें से हम सलवार की बेल्ट बनाएंगे। तो ऊपर से कपड़े को मैंने कट करके निकाल दिया है और अब सलवार की हम आगे की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हमारी टोटल लेंथ है 32 इंच, तो इसे 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 16 इंच। तो हमें 16 इंच पर एक मार्क लगा देना है। तो अब हम मोहरी की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो मोहरी है हमारी 7 इंच, तो 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा, ऐसे हम 8 इंच पर निशान लगा देंगे। अब इन दोनों निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। अब हमने जो यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है उस पर ही हमें सीधी सी कटिंग कर लेनी है। अब जो ये कपड़ा बचा है उसे उठाकर हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से रख देना है। तो अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम 4 कली जो हम बनाने वाले हैं उसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम ऊपर से 6 इंच बेल्ट का निकालते हुए जहाँ पर 40 इंच बन रहा है वहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जो ये लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जो ये कपड़ा बचा था ये हमें नहीं चाहिए और अब हम यहाँ पर अलग से मियानी की कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पर मियानी की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने जो ऊपर बेल्ट का कपड़ा कटिंग किया था उसमें से थोड़ा सा फैब्रिक हमें ले लेना है। तो अब हम यहाँ पर 6 इंच की चौड़ाई पर निशान लगाएंगे और कपड़े को फोल्ड कर देंगे। और ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा हो गया है और इसकी लंबाई भी हम 6 इंच रखेंगे। तो 6 इंच पर निशान लगा के इसे ट्रायंगल शेप में मिला देना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इसे हमें जो साइड में हमने 4 कलियां कटिंग की थी वहां पर हमें कुछ इस तरह से ज्वाइंट करनी है। तो अब हम यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की चौड़ाई है 8 इंच और लंबाई हमें रखनी है 27 इंच। डबल फोल्ड में हमें 27 इंच रखना है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है और लंबाई आ रही है 27 इंच, तो वहाँ से हम कपड़े को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट के कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। तो 4 फोल्ड में इसकी लंबाई आ रही है 13.5 इंच और चौड़ाई आ रही है 8 इंच।
तो ये हमारे 25 इंच की बेल्ट तय। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को रॉन्ग साइड पर टर्न कर लिया है। अब ऊपर की तरफ पहले आपको पट्टी थोड़ी सी मोड़ लेनी है, पर मेरी यहाँ पर पक्की एज है इसलिए मैं नहीं मोड़ती। और फिर आपको 1 इंच की चौड़ाई पर जो ओपन साइड है वहाँ पर निशान लगा देना है। अब ऊपर से हमें 1.5 इंच पर निशान लगा देना है, इतनी हमारी पट्टी मुड़ जाएगी जिसमें से हम डोरी पास करेंगे। और बीच में 1 इंच जितनी गैप छोड़नी है, यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी, इसमें से हमें डोरी पास करनी होती है इसलिए। और बाकी नीचे आपको सेम सिलाई लगा देनी है, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो जहाँ पर मैंने लाइन लगाई है वहाँ पर सिलाई लगानी है, और जहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ नहीं की वहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है। तो अब हम यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पर हमने पहला निशान लगाया है वहाँ पर सिलाई पक्की करके हमें सुई को रोक लेना है, और फिर सुई उठा के दूसरा जो निशान लगाया है वहाँ पर लाना है, और बीच में हमें सिलाई नहीं लगानी है। अब जो दूसरा निशान है वहाँ पर सिलाई को पक्का करके नीचे की तरफ सिलाई लगा देनी है। अब इसे मैंने डबल सिलाई लगा के पक्का कर लिया है। अब बीच में ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसे हम कट कर लेंगे। अब इस बेल्ट को इस तरह से उल्टी साइड पर रख के इन दोनों कपड़ों को इस तरह से खोल लेना है, तो बीच में ये होल बन जाएगा जिसमें से हमारी डोरी पास होगी। और इन दोनों पट्टियों को हमें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें दोनों साइड सिलाई लगा देनी है। अब ये जो होल बन रहा है वहां से भी हम इस तरह से पट्टी फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारे डोरी के लिए एकदम परफेक्ट पट्टी तैयार हो गई है। तो यहाँ पर सलवार की बेल्ट तैयार हो चुकी है। अब हम आगे की स्टिचिंग करेंगे। अब हमने जो 4 कलियां कटिंग की थी उसमें से एक कली ले लेनी है और इसकी सीधी साइड पर निशान लगा देना है, और एक मियानी का पार्ट ले लेना है और इसे इस तरह से अटैच कर लेना है। यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से कली को और मियानी को साथ में रख दिया है और इस पर अब हम सिलाई लगा देंगे। तो एक साइड की हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम कली का दूसरा पार्ट लेके यहाँ से इस तरह से जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों कलियों को मियानी के साथ अटैच कर लिया है। अब आपको बाकी 2 कलियों के साथ भी सेम यही प्रोसेस रिपीट करना है। तो ये पार्ट तैयार हो जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसे हमें घेर पर अटैच करना है। तो घेर पर हमें कुछ इस तरह से रख देना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सारे पार्ट्स को अटैच कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब हम यहाँ पर आगे की तरफ इस तरह से प्लीट्स बनाएंगे आमने सामने की तरफ, और पीछे की तरफ हमें 2 से 3 प्लीट्स ही डालने हैं। तो यहाँ पर सलवार के घेर के पीछे की तरफ हमें 2-2 प्लीट्स ही डालनी है। तो मैंने यहाँ पर 2 प्लीट्स ले ली है और सामने की तरफ भी 2 प्लीट्स। तो यहाँ पर मैंने सलवार का बेल्ट ले लिया है और इसे फोर फोल्ड कर दिया है, और यहाँ पर हम इस तरह से कट लगा देंगे। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैंने बेल्ट के बैक पार्ट पर निशान लगा दिया है और हमने जो केयर पर दो दो प्लेट्स बनाई थी उसे यहाँ पर इस तरह से मिडल में रखते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। तो हमने जो बेल्ट को फोर फोल्ड करके कट लगाया था वहाँ तक हमें सीधी सिलाई लगा देनी है और फिर यहाँ से आगे तक हमें इस तरह से प्लीट्स बनाते जाना है। तो यहाँ से आगे की तरफ हमें सारे प्लीट्स बना देने हैं जिससे ये पटियाला सलवार का लुक देगा। तो अब यहाँ तक प्लीट्स लगाते हुए हम मिडल पॉइंट तक आ गए हैं। अब हमें सामने की साइड भी सेम प्लीट्स लगाने हैं पर प्लीट्स की साइड हमें आमने सामने रखनी है। तो यहाँ पर मैंने सारे प्लीट्स ले लिए हैं, आगे की तरफ इतने प्लीट्स लिए हैं और पीछे की तरफ दो दो प्लीट्स लिए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने अलग से मोहरी अटैच की है। अब हम इस सलवार को मोहरे से लेते हुए पूरा स्टिच कर लेंगे और ये सलवार तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।